हाय फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मुर्गी को और बदक को क्या क्या वैक्सीन लगता है। तो यहाँ पे हम चार वैक्सीन दिखाएंगे, जो मुर्गी में दो आता है और बदक में दो आता है। तो मुर्गी का जो दो वैक्सीन है कॉमन है, उसको आपको इस्तेमाल करना ही है, और नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले वैक्सीन है, ये है रानीखेत वैक्सीन, न्यूकैस्टला डिजीज वैक्सीन। रानीखेत वैक्सीन B1 या फिर F1 नाम से आता है। समझ में आ गया आप लोगों को, B1 या फिर F1 नाम में आता है। और ये 500 डोज का है और इसका रेट है 97 रुपीज़। काफ़ी कम कीमत है, रानीखेत वैक्सीन का उतना ज़्यादा कीमत नहीं रहता है। तो देख सकते हैं ये B1 है, 500 डोज का है रानीखेत वैक्सीन। उसके बाद आता है गामबोरो वैक्सीन। रानीखेत वैक्सीन 7 दिन में दिया जाता है, गामबोरो वैक्सीन 15 दिन में दिया जाता है। इन्फोकास डिजीज़ बोलते हैं इसको। तो ये है गामबोरो को आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन में। पहले रानीखेत, उसके बाद गामबोरो यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों आ गए आपका मुर्गी के लिए, समझ में आ गया आपको। रानीखेत और गामबोरो, रानीखेत 7 दिन में और गामबोरो आपका 15 दिन में। इसमें जो डोज लिखा रहता है वही डोज में आपको यूज़ करना है। जैसे 500 डोज लिखा है, इसमें 200 डोज लिखा है, तो 500 मुर्गी के लिए आएगा और 200 डोज 200 मुर्गी के लिए आएगा। और ये जो आप दिख रहे हैं, ये है डाक कॉलेरा या डाक प्ले वैक्सीन, डाक प्लेग। ये जो छोटा वाला वैक्सीन है, नीला वाला खप, उसको डाक प्लेग बोलता है। और उस साइड में जो आपको दिख रहा है बोतल, वो आता है डक कॉलेरा। ये बदक में आता है, डक में आता है। तो ये देख सकते हैं, इसको डक प्ले वैक्सीन है। ये 100 डोज का है, 50 डोज का ऐसा आता है। तो इसमें क्या रहता है, इंजेक्शन करना पड़ता है हर इसमें बच्चे में, इंजेक्शन के सहारे इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है डक कॉलेरा वैक्सीन। ये दोनों बदक में इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम जो डक का आता है वो कम हो जाता है। तो इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी होता है ये। तो अब ये देख सकते, ये ले लिए, गम्बोरो हो गए, रानीखेत हो गए, ये दोनों आपको इस्तेमाल करना है। ये इसके लिए आपको पानी मिलता है, डिस्टिल वाटर बोलते हैं इसको। इसको मिक्स करना है पानी उसके अंदर वैक्सीन के साथ करके, मुर्गी का आँखों में एक एक ड्रॉप यूज़ करना है। ये दोनों आपको मिला दिया, एक साथ मिलाने के बाद मुर्गी का आँखों में एक एक ड्रॉप इस्तेमाल करना है। आपको समझ में आ गया, ये दोनों आ गया मुर्गी के लिए, ये आ गया बदक के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर शेयर करें दूसरे देखने के लिए। और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।